Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi, and in today's video, we are going to discuss about the two topics. So the first one is the interrupt, and the second one is the tray. So first of all, looking at the interrupt, interrupts are basically the signals that are generated by the input, output, or other devices to get the attention of the CPU. Simply, जब interrupt जो है generate होता है, उसके बाद क्या होता है? The control goes to the operating system and it provides some service to that signal, that is the interrupt. अब अगर हम इसकी daily life example ले लें, जैसे अगर हम अपना बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से जो है डोर पे कोई नॉक कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम अपना काम छोड़ के सिंपली जो है डोर पे जाते हैं दरवाज़ा खोलने. या अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर टेलीफोन रिंग कर रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम अपना काम छोड़ कर जो है सिंपली फ़ोन अटेंड करने चले जाते हैं. इन द सेम केस कंप्यूटर में भी उसी तरह से होता है कि जब इंटरप्ट जो है सिग्नल जनरेट होता है, तो उसके बाद जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है. मीन्स के जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही थी, हमारे प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूट हो रहे थे, वो सब जो है टर्मिनेट हो जाते हैं. एंड द कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट प्रोवाइड सर्विस टू दैट सिग्नल. अब इस पर आ जाते हैं कि उसके बाद क्या होता है, कौन सा कोड रन होता है. सो फर्स्ट हैव अ ब्रीफ लुक ऑन द ट्रैप. हमने वहाँ पर बात की कि इंटरप्ट इज द सिग्नल दैट इज जनरेटेड बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बट इन द केस ऑफ द ट्रैप, TRAP is the signal that is generated by the CPU itself. Up, the question is why TRAP is generated? Why CPU generates such type of signal? Because when any program is generated and it does not make any sense to the CPU, then CPU simply generates TRAP. जैसे हम example ले ले, when we write a program and there is an instruction in which any number is divided by zero, and we know we cannot divide any number by zero, it will produce an error. If such type of program is executed, so CPU simply generates the TRAP, क्योंकि वो जो है calculation, it does not make any sense to the CPU. अब इस type की कोई instruction अगर आ जाती है, तो CPU जो है TRAP generate करता है. And then in the same case of the interrupt, TRAP में भी उसी तरह से होता है, control goes to the operating system. ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं. हमने यहाँ पे बात की कि इंटरप्ट जो है सिग्नल्स जब जनरेट होते हैं, तो हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, फिर क्या होता है, हमारी एक होती है इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ठीक है, एंड दैट इज टेबल इन विच देर आर कोड टू प्रोवाइड द सर्विस टू दैट इंटरप्ट. ठीक है, अब कोई भी इंटरप्ट आया, ठीक है, वो सिग्नल, अब वो क्या करेगा, कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. वो क्या इंटरप्ट सर्विस रूटीन से उसके हिसाब से, उस सिग्नल के हिसाब से कोई कोड देखेगा, एंड इट प्रोवाइड्स द सर्विस टू दैट इंटरप्ट. अब ये देखें, अगर हम ये कहें कि एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन की एक टेबल है, ठीक है, अब अगर इंटरप्ट ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं टू प्रोवाइड द सर्विस टू द स्पेसिफिक इंटरप्ट सिग्नल. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात होती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैप, के क्योंकि हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही है. ठीक है, अब कोई इंटरप्ट आ गया, मीन्स कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने जो है इंटरप्ट जनरेट किया के टू गेट द अटेंशन ऑफ द CPU. अब उससे जो है सर्विस प्रोवाइड हो गई, उसके बाद जो है हमारी कंट्रोल कहाँ जाएगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे. अब हमें नॉर्मली जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, वो तो एग्जीक्यूट होंगे ना, सो वी नीड टू सेव द स्टेट ऑफ द CPU, ताकि जब इंटरप्ट सिग्नल हमारा हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करें, नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकें. बट इन द केस ऑफ द ट्रैप क्या होता है हमारा, कि जो है जब नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही होती है, मीन्स ठीक है, उसके बाद ट्रैप आ गया. क्योंकि ट्रैप कब आता है, मैंने आपको बताया कि व्हेन एनी प्रोग्राम दैट इज़ एग्जीक्यूटेड विच डज नॉट मेक एनी सेंस टू द CPU, इन दिस केस क्या होता है, अब वो प्रोग्राम आगे सेव होना ही नहीं ना, आगे एग्जीक्यूट होना ही नहीं है. इस ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो सिंपली क्या करता है, कंट्रोल गोज टू द ट्रैप सर्विस रूटीन, और उस प्रोग्राम को जो है सिंपली टर्मिनेट कर देता है. क्योंकि यहाँ पर तो हमारी दोबारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही थी आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू दैट इंटरप्ट, पर यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया है हमारे पास जिसको एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए, तो सिंपली क्या होगा, वो प्रोग्राम हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट द इंटरप्ट इन द ट्रैप. वी विल बी डिस्कसिंग दिस
two topics in our next videos, so you will get to know more about these topics. I hope so कि आपका concept clear हो गया होगा about interrupts and trap signals. I repeat the conclusion that interrupts are the signal that are generated by the IO devices to get the attention of the CPU, but trap are the signals that are generated by the CPU itself. When any program which does not make any sense to the CPU, it simply generates the trap. यहाँ पर भी interrupt service routine में जाता है हमारा control, और यहाँ पर जो है trap service routine में हो जाता है, ठीक है. So till the next video, take care, Allah Hafiz.